आप। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुए थाई में यूज होने वाला स्ट्रेट पंच के बारे में हम सीखेंगे और उसकी जो बेसिक टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस स्ट्रेट पंच को हम थाई लैंग्वेज में मतोंग बोलते हैं। मत का मतलब होता है पंच, टोंग का मतलब स्ट्रेट, सो मतोंग बोलते हैं इसको। मतोंग की जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें, और किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। और ये सीखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी बार इसका प्रैक्टिस करने पड़ता है ताकि करने के बाद आप इसको और ज़्यादा अच्छे से पॉलिश कर पाएँ, समझ पाएँ। तो जिन बातों का हमें ध्यान देना है वो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, हम बेसिक स्टांस में जाएंगे। इसको चुक मॉय बोलते हैं थाई लैंग्वेज में, इसको चुक मॉय बोला जाता है। इसको हम ऑन गार्ड फाइटिंग पोजिशन भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है इसमें, हमने चिन को अपने हमने डाउन रखना है ताकि हमारे थ्रोट जो है वो प्रोटेक्टर है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। अगर हम चिन को ऐसे ऊपर करके रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हमने डाउन करके रखना है चिन को ऐसे, और फर्म डाउन करके रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है उसको, हल्का सा रिलैक्स करके डाउन रखना है। तीसरी चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है वो जो हमारी शोल्डर की जो मूवमेंट है, जो अपर बॉडी की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। बिना गर्दन हिलाए हमें अपर बॉडी कुछ इस तरीके से चलाना, ताकि जब आप पंच चलाओ तो ये आपके जो अपर बॉडी जो कंधे हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। चौथी चीज़ जो आपने ध्यान देनी है वो आपका जो मसल है, इस मसल को आपने यूज़ करना है, ना कि शोल्डर को ऐसे उठा के चलाना है। कई आपने वीडियो में देखा होगा, कई बार ऐसे शोल्डर्स को उठा के पंच चला रहे होते हैं, उससे क्या होता है मसल आपका टेंस हो जाता है, टाइट हो जाता है। क्योंकि जब आप पंच चलाते हो तो आप जल्दी थक भी जाते हो, और मसल टेंस होने की वजह से, थकान होने की वजह से आप ज़्यादा देर तक नहीं चला पाते पंच को, और ताकत भी उसमें कम हो जाती है। और उसके बाद जो हमने बात जो ध्यान देनी है, जो आप जो पंच जो चलाओगे वो चिन के सामने चलाना है, चिन के सामने से, ठोड़ी के सामने से, ठुड्डी के सामने से। उसके बाद जो आप पंच चलाएंगे, जो आप उसकी जो मार जो होगी वो आपने इससे मारनी, नकल से। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इस पूरे चीज़ को हम इकट्ठा करके मैं बताऊंगा आपको, और आप देखिएगा कैसे चलाते हैं हम पंच। तो इसमें आपने ध्यान रखना है पॉस्चर का, और जब आप पंच चलाओगे तो देखिए आप, मैं कैसे चला रहा हूँ, आप ये मैं चिन के सामने चला रहा हूँ, ये मेरी एल्बो बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं हो रही है, अंदर की तरफ ही है। तो इससे क्या होता है, जब आप एल्बो को अंदर रख के आप जब चलाते हैं तो आपकी जो बॉडी एक्सपोज कम होती है, और आपका पंच जो है थोड़ा फास्ट जाता है। इसको हम फास्ट भी करेंगे, ठीक है। और आपकी जो बॉडी जो है एक्सपोज नहीं होती, मतलब सामने से अगर आप हाथों को ऐसे करके पंच चलाते हैं तो आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है, आपकी जो सेंटर लाइन है जो ये फिर सामने वाले के लिए एक्सपोज हो जाती है, और उसका जो दायरा है देखने का, विजुलाइज ज़्यादा कर पाता है। तो अगर हम उस फास्ट चलाएंगे तो कुछ ऐसे ये ऐसे लगेगा। अब ये मूवमेंट मैं आपको साइड से दिखाऊंगा, आप मेरी बॉडी की मूवमेंट भी देखिएगा, लोअर बॉडी क्या मूवमेंट होती है, और मैं स्टांस चेंज करके आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको जब हम चला रहे हैं। और इसमें आप नोटिस भी कीजिएगा, मेरा जो अपर बॉडी का जो वेट है, मैं अपना वेट भी इसके साथ थ्रो कर रहा हूँ, ताकि जो मेरा जो पंच है वो ताकत से लगे सामने वाले को, और उस रेंज भी बढ़ती है, रीच बढ़ती है। तो जब हम चलाते हैं तो आप देखिएगा ये कुछ इस तरीके से गया, ये हम इसको फास्ट चलाएंगे तो मेरी लोअर बॉडी के मूवमेंट आप देखिएगा, ये इसको स्लो चलाऊंगा तो आप मेरा मेरा मसल भी देख लीजिएगा, ये साइड का जो मसल चल रहा है ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये सामने से ऐसे ना चलेगा। अब मैं सामने से ही करूंगा ऐसे, साइड से फिर दोबारा से दिखाऊंगा मैं, ये स्लो में, ये ऐसे फिर से सामने से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे फास्ट, दूसरी तरफ से स्टांस चेंज करके, ये तो आपने देखा होगा मैं किस तरीके से इसमें पंच को चला रहा हूँ, और क्या मेरी बॉडी की मूवमेंट है, क्या इसमें मैकेनिक्स हैं जो यूज है, टेक्निक्स का जो आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप इसको करिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुए थाई बॉक्सिंग एकेडमी के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें, और
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सो दिखा।